नमस्कार साथियों, अगर आप भी 10th या फिर 12th क्लास बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी है वो कर रहे हो तो आपके लिए एक अजीब सी न्यूज है, वो आपने देखी होगी आज ही। ठीक है, उसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है वो रद्द होगी। ठीक है, यह ज्यादा है उन्हें पता कि कौन सा न्यूज पेपर है, न्यूज पेपर चाहे राजस्थान पत्रिका हो या फिर दैनिक भास्कर है, दोनों में से कोई एक है, उस न्यूज पेपर में बताया गया कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा है वो रद्द है, वो होगी। क्या कारण है इस प्री बोर्ड का, पीछे का रद्द होने का, पूरी सच्चाई है वो बताऊंगा। क्या वास्तव में रद्द होगी या फिर प्री बोर्ड परीक्षा होगी इस बार, और अगर होगी तो कब है वो होगी, पूरी जानकारी A to Z मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो आज इस वीडियो को पूरा है वो देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये आपके लिए, 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए खास तौर पर। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, तो ये न्यूज में बताया गया, कहां पर बताया गया, एक न्यूज पेपर है वहां पर बताया गया प्री बोर्ड परीक्षा रद्द। ठीक है, आपको पता है हर साल प्री बोर्ड परीक्षा है वो कब होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी में होती है। कब होती है, जनवरी में। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही होता, लेकिन क्या करे, यहाँ पर देखिएगा जो चुनाव है वो आ गए। ठीक है, चुनाव आ गए तो क्या हुआ भाई, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है ना, सिलेबस जहां तक हो सके, काफी सारे जो कि स्कूल है वहां पर 30-40% ही हुआ है, ज्यादा है वो हुआ ही नहीं है जहां तक हो सके। ठीक है, सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उनकी ड्यूटी तो नहीं लगी होती है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है वहां पर ड्यूटी है वो लगी होती है शिक्षकों की। तो वहां पर जो शिक्षक है, कैसे ड्यूटी हुई मैं आपको बता दूं, चुनाव है ना, उससे एक महीने पहले शिक्षकों की ड्यूटी है वो चुनाव में लगा दी गई। और अब आपको पता है 25 तारीख को वोट है हमारे राजस्थान में। ठीक है, 25 तारीख के बाद 3 दिसंबर तक जहां तक हो सके सभी शिक्षक है वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फ्री हो गए, फिर फ्री कहां से हो गए, आपकी आगे एडवर्सी परीक्षा जो कि कब से चल रही है, 11 से 23 दिसंबर, फिर आपकी सर्दियों की छुट्टियां हैं वो पड़ जाएगी है ना। तो आपको आपको तो बहुत ही घाटा है वो हो रहा है, आपको ना तो सिलेबस पूरा हो रहा है, ना आपका प्री बोर्ड की तैयारी है वो हो रही है। अब ये शिक्षक कह रहे हैं, जो हमारे टीचर हैं, ठीक है, आपके टीचर हैं, वो कह रहे हैं भाई कि जो हमारा सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, हमारी ड्यूटी है वो चुनाव में थी, हम प्री बोर्ड की तैयारी करवाए या फिर मेन बोर्ड है जो आपका ना अर्धवर्षीय परीक्षा उनकी तैयारी करवाए या फिर सिलेबस पूरा करवाए, क्या क्या करवाए है ना। अब बहुत सारी है वो दुविधा है वो आ रही है। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 11 से 23 दिसंबर आपको बताएं अर्धवर्षीय परीक्षा चलेगी, फिर आपको बताएं आगे अगले साल 2024 में आपके ना जो कि लोकसभा चुनाव भी आ जाएंगे हैं, तो इस प्रकार तो शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में ही चली जाएगी ना, बोर्ड विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अजीब सी न्यूज है ये है ना, बहुत ही घाटा है वो होगा। और प्री बोर्ड अगर नहीं होगा तो आपको बहुत सारा नुकसान होगा। ठीक है, प्री बोर्ड में आपको पता चल जाता है कि मेरा स्कोर है वो क्या है, मैं किस प्रकार है बोर्ड एग्जाम में, किस प्रकार जो प्रश्न पत्र है वो आएगा, बहुत सारे हैं वो डाउट है वो क्लियर हो जाते हैं प्री बोर्ड को हल करने से। तो विद्यार्थियों को बहुत सारा है नुकसान है होगा अगर प्री बोर्ड नहीं हुआ तो, अगर प्री बोर्ड होगा तो आपका जनवरी में हो जाएगा, क्योंकि बाद में अगर मुख्य परीक्षा ना उसके लिए भी टाइम है वो देना चाहिए ना विद्यार्थी को, अगर जनवरी में होता है तो आपकी मार्च में परीक्षा है वो हो जाएगी। ठीक है, अगर जनवरी में नहीं होता है, मान लीजिए जनवरी में नहीं होता है तो आपका रिजल्ट भी देर से आएगा, बोर्ड परीक्षा भी देर से आएगी, लेकिन ऐसा बोर्ड है वो नहीं चाहेगा कि हमारी परीक्षा लेट से हो, प्री बोर्ड लेट से हो। ठीक है, और सीबीएसई की बात करें तो वो तो आगे चल रही है। ठीक है, और अभी तक तो ना तो राजस्थान बोर्ड ने ब्लू प्रिंट जारी की, ब्लू प्रिंट का कोई भी अता पता नहीं है। ब्लू प्रिंट के बारे में क्या न्यूज आ रही है कि अभी है ना जो चुनाव में ड्यूटी है वो लगी हुई है हमारे कर्मचारियों की, अब कर्मचारियों की ड्यूटी है वो कब फ्री होंगे, कब है वो ब्लू प्रिंट जारी करेंगे, अभी तक है ब्लू प्रिंट ही नहीं जारी किया राजस्थान बोर्ड ने। अब विद्यार्थी है तैयारी कैसे करें, ना तो सिलेबस पूरा हुआ, ना ब्लू प्रिंट है वो जारी हुए, ना प्री बोर्ड के बारे में कुछ है अता पता चल रहा है, और ना सिलेबस है, ना शिक्षक स्कूल में है। ठीक है, बहुत सारी है सामना है वो करना पड़ रहा है। अब आप कहोगे कि जो प्री बोर्ड होगा या फिर नहीं होगा, तो मैं जहां तक बात करूं प्री बोर्ड या वक्का हो सकता है, आपके लिए जो एक्स्ट्रा क्लास है वो लगाई जा सकती है आपके स्कूल में, और उससे आपको सिलेबस है वो पूरा करवाया जा सकता है। ठीक है, जहां तक हो सके जो बड़ी बड़ी सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, साइंस है, इनका सिलेबस है थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी हिंदी वगैरह है इनमें तो आपको स्कूल वालों ने सिलेबस है जहां तक उसके मुझे लगता है पूरा है वो जहां तक उसे करवा दिया होगा। ठीक है, और बाकी मैथ्स है जो कि आपकी इंग्लिश वगैरह है, इंग्लिश में भी जहां तक हो सके हो गया होगा। ठीक है, बाकी जो मैथ है, साइंस है, इनमें सिलेबस है वो थोड़ा कम है वो चल रहा होगा। आपकी कौन सी सब्जेक्ट है, कौन सी क्लास है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सिलेबस कितना हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्री बोर्ड है आपकी जहां तक हो सके मुझे लगता है प्री बोर्ड है वो रद्द नहीं होगी। ठीक है, उस न्यूज पेपर में बताया जा रहा है कि प्री बोर्ड रद्द हो सकती है। ठीक है, तो आपकी प्री बोर्ड है वो हो सकती है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो विद्यार्थियों को तैयारी है वो नहीं होगी है ना, उनको पता ही नहीं चलेगा कि बोर्ड में पेपर कैसा आता है, वो डरेंगे और ज्यादा, उनको डर को दूर करने के लिए आपकी परीक्षाएं वो ली जा सकती हैं। ठीक है, भले
तीन चार ही प्री बोर्ड हो, मतलब तीन चार विषयों के ही हो, ज्यादा जो हार्ड हार्ड सब्जेक्ट है उसकी ही हो, लेकिन प्री बोर्ड है जहां तक उसके होगी, ठीक है। और न्यूज़पेपर में पूरा विश्वास है आपको करना ही नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करनी है बहुत ही ज्यादा। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर फेक भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैं ना अपने चैनल पर बीएसटीसी से रिलेटेड एक वीडियो डालता हूँ कि बीएसटीसी का लिस्ट है वो इस समय आएगी, इस समय आएगी, लेकिन लिस्ट आती नहीं, ठीक है। इस न्यूज़पेपर में बहुत सारे फेक है, ठीक है। पहले बताया जाता था कि बीएसटीसी का जो है ना फॉर्म इस दिन है वो शुरू हो जाएंगे, इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं। फिर अगले सप्ताह शुरू हो गया, होते नहीं। फिर भी रिजल्ट इस महीने इस सप्ताह का नहीं होता, फिर इस सप्ताह का नहीं होता है, फिर लिस्ट इस सप्ताह की नहीं होती है, ठीक है। आप अपने बोर्ड के न्यूज है वो ही देख लेना। पिछले साल की बात करें तो रिजल्ट के बारे में बताया जाता कि भाई इस तारीख से पहले पहले आ जाएगा, लेकिन मैंने खुद रिजल्ट निकल आए उससे पहले पहले नहीं आया, ठीक है। तो बहुत सारी फेक न्यूज भी है, वो हो सकती है फेक न्यूज, ज्यादातर इनकी न्यूज है वो फेक ही होती है, इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना आपको। और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी वो करनी है। अभी आपको पता है अर्धवार्षिक परीक्षा आ जाएगी, फिर आपके शीतकालीन छुट्टियां पड़ जाएंगी, फिर आपका झंडा है वो आ जाएगा, मतलब गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आ जाएगा, फिर आपका वार्षिक उत्सव आ जाएगा, है ना। तो बहुत सारी छुट्टियां ही छुट्टियां हैं, आपको तैयारी करनी है फिर, ठीक है। मैं आप ठीक है, और बाकी मैंने बता दिए आपको तैयारी वगैरह करनी है। बाकी और कोई अपडेट आती है ब्लूप्रिंट से लेकर तो मैं आपको है ना टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप शिक्षा। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।